रेगिस्तान हिंसा में फंसी छत्तीसगढ़ की छात्रा ने मुख्यमंत्री से मदद मांगी है। मेडिकल छात्रा आयशा राय ने सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री से सुरक्षित भारत वापस लाने पहल करने की अपील की है। किर्गिस्तान के स्थानीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के बीच बिश्केक शहर में हिंसात्मक लड़ाई चल रही है। छात्रा के परिजनों ने भी छत्तीसगढ़ शासन से छात्रा को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ जांजगीर ज़िले से हूँ। अभी बिश्केक किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रही हूँ। फोर्थ ईयर में पढ़ रही हूँ। हाल ही में अभी कुछ इंसिडेंट हुआ था बिश्केक में, जिसकी वजह से 70-80 स्टूडेंट्स अभी यहाँ फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ से, और 20 स्टूडेंट करीबन हमारे जांजगीर से हैं। तो अभी ऐसा है कि यहाँ का माहौल, कोई बच्चे यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, हमको जल्दी घर आना है। तो ये समस्या धीरे धीरे अभी हम गवर्नमेंट तक लेके गए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, वो मेरे से कांटेक्ट किए, मेरे से बात किए, हमारा हाल चाल जाना। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, बिश्केक किर्गिस्तान में पढ़ती हूँ। हम यहाँ फंसे हुए हैं, बहुत हालत ख़राब है कि मैं अपने इंडिया कंट्री और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें यहाँ से निकाले जितना जल्दी हो सके और हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। मेरी बेटी शैलेन रॉय किर्गिस्तान के बिश्केक के सेलिब्रिटी यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और वहाँ के हालात अच्छे नहीं है। सारी दुनिया जान रही इस चीज़ को कि अभी वहाँ पे क्या हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी और विधानसभा जी से मेरा निवेदन है कि बच्चे को यहाँ पे सही सलामत वापस लेके आया जाए। वहाँ वो बुरी तरह से फंसे हुए 3 दिन हो गए हैं, बच्चे लोग मुश्किल से रह रहे हैं वहाँ पे। इनको अलग से रखा गया है, उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग से रखा गया है। पर मैं चाहती हूँ कि किसी भी हाल ऐसे भी हालात हैं वहाँ के, हमें तो नहीं पता है वहाँ पे बच्चे वहाँ पे बता रही है, परेशान हो रहे हैं बच्चे लोग वहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि बच्चे वापस आए, अपने घर वापस लौट आए, और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ उन बच्चों के लिए कुछ करिए, और ना कि मेरी बच्ची बल्कि जो भी बच्चे वहाँ पे फंसे हैं अपने इंडिया के, उन सबको वापस लेना है।